555 मार्क्स पर मिला है अगर पिछली बार का देखें तो 550 फिफ्टी कट ऑफ रही थी और पिछली बार से इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फाइव मार्क्स का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है डिम्ड यूनिवर्सिटी में देखें तो हम टेन से ट्वेल्व मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट की कंडीशन में भी टेन मार्क्स का इंक्रीमेंट इस बार देखने को मिल रहा है तो बाकी स्टेट्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फाइव से टेन मार्क्स इंक्रीमेंट आपको देखने में मिलेगा मैं आपको केरला स्टेट की यहाँ कॉलेज वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा उड़ीसा स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा इसके साथ साथ एमसीसी के नोटिस के बारे में भी बात करेंगे जो एमसीसी ने इन एक दो दिन के अंदर क्यों नोटिस दिए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा और स्टेट्स की काउंसलिंग अपडेट के बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम केरला स्टेट की कट ऑफ के बारे में प्राइवेट स्टेट की बात करें तो केरला स्टेट ओपन स्टेट है और यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ही कम है यानी कि राजस्थान स्टेट से भी देखा जाए गवर्नमेंट पेमेंट सीट की फीस से भी यहाँ फीस कम रहती है अब अगर एक बार हम कट ऑफ देखें जुबली मिशन की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है 617 मार्क्स पर कट ऑफ रही है इस बार आमला की 607 मार्क्स मलंकारा 602, जीरो टू पुष्पगिरी फाइव डबल नाइन एम ई एस और एस यू टी फाइव एटी सेवन मार्क्स केरला में देखा जाए तो ये पांच कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस में आते हैं बेलीवर्स की देखें तो फाइव नाइनटी फाइव कट ऑफ रही है अगर श्री गोकुलम की कटऑफ देखें तो 592 कटऑफ रही है डीआर सोमेरवल की 580 कटऑफ रही है और केएमसीटी की 575 कटऑफ रही मालाबार की बात करें तो 575 त्रिनकोर की 571 अजीजिया की 568 श्री नारायण की 566 माउंट जियोन की 556 कट हो गई है सबसे कम कटऑफ अलहजर की रही है वो 555 कट ऑफ रही है और नाड की कट ऑफ फाइव हंड्रेड फिफ्टी नाइन रही है पीके दास की बात करें तो फाइव हंड्रेड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अब हम बात करते हैं उड़ीसा स्टेट की तो उड़ीसा स्टेट ओपन सिक्स जीरो टू ओपन एस जी एस जो स्कूल कोटा होता है फाइव थर्टी नाइन ओपन जीसी जो ग्रीन कोटा होता है ग्रीन कार्ड

एस सी कैटेगरी उड़ीसा स्टेट की बात करें फर्स्ट राउंड की तो फाइव SC, जीरोगरीज में, में, के अंदर एस सी ग्रीन कार्ड फाइव फोर्टी सेवन कट ऑफ रही है एस सी एक्स सर्विसमैन फाइव ट्वेंटी सिक्स कट ऑफ रही है एस सी पी एस की वन फिफ्टी थ्री कट ऑफ रही है यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 61 361 कट ऑफ रही है एसटी कैटेगरी की एसटी जो स्कूल कोटा है 487 एसटी ग्रीन कार्ड 331 और एसटी ईएक्स कैटेगरी यानी कि एक्स सर्विसमैन 293 और बीडीएस यहां एक गवर्नमेंट की एससीबी डेंटल कटक है उसकी जो कट ऑफ रही है वो 584 मार्क्स पर कट ऑफ रही है मैं आपको हर एक स्टेट की कट ऑफ यहां पर बता रहा हूं मैंने ऑलरेडी जिन स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं जैसे हरियाणा का डिक्लेयर हो गया है उसकी कट ऑफ में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको और इन दो स्टेट्स की कट ऑफ भी बता चुका हूं जैसे जैसे स्टेट्स की कट ऑफ डिक्लेयर होती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा अब बात करते हैं एमसीसी के नोटिस की तो एमसीसी ने एक तो नोटिस ये दिया है पहले भी एक नोटिस दे दिया था कि जो सीटें फर्स्ट राउंड में नहीं आई हैं वो सेकंड राउंड में आएंगी तो सेकंड राउंड में सिक्स कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड में नहीं आए थे वो सिक्स कॉलेजेज यहाँ सेकंड राउंड में देखने को मिलेंगे अपन को सबसे पहले अनंतनाग का कॉलेज है बैरेज है उदमपुर है सिलवासा है बूंदी है हनुमानगढ़ है कठुआ पहले आ चुका है फर्स्ट राउंड में यहाँ गलती से लिखा गया है अनंतनाग जे के में है बैरेज बिहार में है उधमपुर जम्मू से आगे है नमो सिलवासा दादर का है ये और बूंदी और हनुमानगढ़ राजस्थान के कॉलेजेज हैं ये छह कॉलेजेज अभी फिलहाल आ रहे हैं और भी अभी 14 सॉरी 4 अगस्त 2023 ने तक एमसीसी ने सभी स्टेट्स को नोटिस दे रखा है कि जो इनकी सीटें हैं जो ऐड नहीं हुई है वो फोर अगस्त तक ये एम के पोर्टल पर अपलोड कर दें उसके बाद एम का पोर्टल क्लोज हो जाएगा तो और भी कॉलेजे इसमें ऐड होने की पॉसिबिलिटी है दूसरा नोटिस है माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर के तो एम ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जो कैंडिडेट ऑल इंडिया से एडमिशन लेते हैं ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इसके बाद यूपी स्टेट के जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं प्राइवेट के उनकी फीस डिक्लेयर कर दी है डीएमई डॉट यूपी की जीओवी डॉट इनकी वेबसाइट पर आप ये फीस देख सकते हैं ये फीस आपको वहां मिल जाएगी माइनॉरिटी कॉलेजेस की मेडिकल और डेंटल दोनों की फीस यहां डिक्लेयर कर दी है और वेबसाइट पर अवेलेबल है ये जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस अभी डाली नहीं है यूपी ने ये जल्द ही डाल देंगी चॉइस फिलिंग की आज 11 बजे तक लास्ट डेट है जिन कैंडिडेट्स ने यूपी की चॉइस फिल नहीं किया है वो चॉइस फिल कर दें एक यहाँ बात यह है कि यहाँ पर चॉइस लोप करना बहुत ही जरूरी है तो ग्यारह बजे से पहले पहले दिन के ग्यारह बजे से पहले पहले, पहले आप चॉइस लोप जरूर कर दें अदरवाइज आप फर्स्ट राउंड के लिए कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे

स्लिप डाउनलोड कर लें ये वेरिफिकेशन स्लिप में आपको सीक्रेट की और यूजीसीटी के जो नंबर हैं वो आपको यहां मिलेंगे उससे आप चॉइस फिल कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है डॉक्यूमेंट से वेरिफाई होने के बाद ही यहाँ डॉक्यूमेंट से स्लिप अवेलेबल रहती है इसमें इसके बाद में मेडिकल और डेंटल की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है फीस स्ट्रक्चर अभी जारी नहीं हुआ है जैसे ही इनके साथ में कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे तो ये कुछ जानकारी थी कट ऑफ के बारे में कुछ स्टेट्स के अपडेट के बारे में एम के नोटिस के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद